देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते केस के कारण चिंता बढ़ रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली में राजनीति का पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ 9 जगह प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। केजरीवाल सरकार के बॉर्डर सील करने के खिलाफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी राजघाट पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के खड़े होने के लिए सर्कल बनाए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए मनोज तिवारी के पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें और दूसरे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। उधर कैनॉट प्लेस में भी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस दौरान दिल्ली के इंचार्ज श्याम जाजू ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल सरकार कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रही है। सभी संकेतों का पालन करते हुए कम संख्या में केवल प्रातिनिधिक रूप से आज हम यहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद इस एरिया के डीएम को हम इसका हमारा अर्ज देंगे और वहाँ पर हम न्याय की गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार कोरोना संकट को संभालने में असफल रही है और लगातार बीजेपी भी केजरीवाल सरकार को घेरती रही है।